Standard 6 Civics. My dear children, in this video, we are going to start the lesson number 3 of Civics. Rural Local Government Bodies. The local government bodies play an important role in the regulation of social life. In our country, along with local bodies, the union government and the state government also participate in the work of a regulation. The local government bodies are broadly classified as rural and urban local bodies. So, India is a very big country. आप जानते हो बराबर. तो इंडिया के अलग अलग रीजन में रहने वाले पब्लिक, उनके ज़रूरतें, वो सोसाइटी का मेंटेनेंस, ये सब करने के लिए एक सिंगल गवर्नमेंट, अगर सेंटर एरिया में सपोज दिल्ली इज़ द कैपिटल, वहाँ पर बैठे हुए एक सिंगल गवर्नमेंट से ये पूरे देश का काम, अलग अलग नुक एंड कॉर्नर के जो लोग हैं, उधर के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. ये पूरे तरीके से इम्पॉसिबल है. तो इसके लिए हमारा गवर्नमेंट सिस्टम इस तरह किया हुआ है कि सभी एरिया का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी एरिया में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन हो. रेगुलेशन मीन्स सभी काम को प्रॉपरली चलाना, दैट इज़ रेगुलेशन. तो इसके लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को बनाया गया हुआ है. टोटल हमारा देश का गवर्नमेंट को हम डिवाइड करोगे तो वन इज़ यूनियन गवर्नमेंट, देन यू मे फाइंड स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. ये सभी मिलकर अपना अपना फंक्शन कंप्लीट करने के वजह से हमारे पूरे कंट्री का फुल रूलिंग या पूरे रेगुलेशन, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली होता है. तो लोकल गवर्नमेंट बॉडी मतलब छोटे से एक एरिया के लिए जो गवर्नमेंट बने हुए हैं, जैसा अभी हम हमारे एरिया के बारे में बोलते हैं, वी आर इन अंबरनाथ. तो अंबरनाथ के एरिया का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले, वी हैव अ म्यूनिसिपैलिटी बराबर. तो हमारा इतना एरिया का वाटर सप्लाई का या ऐसा जो कुछ भी, मतलब जो लोकल नीड्स होते हमारे, वो सब हमारा लोकल गवर्नमेंट ही करते हैं. फॉर हमारे छोटे छोटे जो कंप्लेंट्स है या जो कुछ कमियां हैं, हम ऑन द स्पॉट यहाँ से डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाते. वी गेट ऑल आवर प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट. हमारे सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट के मदद से. इसी तरह वो अलग अलग छोटे छोटे एरियाज़ के लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होते हैं. सो लोकल गवर्नमेंट बॉडी को भी दो डिफरेंट ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. वन इज़ रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी एंड द अदर वन इज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी. रूरल लोकल बॉडीज़ कौन से होते हैं? सिर्फ गांव का काम करते हैं उन लोग. विलेजेस एरिया के लिए बने हुए लोकल बॉडीज़ होते हैं रूरल लोकल बॉडीज़, और सिटी रीजन के लोकल बॉडीज़ जो है उसे अर्बन लोकल बॉडीज़ कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. तो इस चैप्टर में हम रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. दैट मीन्स द लोकल गवर्नमेंट बॉडी मेंट फॉर विलेजेस. विच आर दे? द ग्राम पंचायत, उसमें से एक रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, फर्स्ट वन, दैट इज़ ग्राम पंचायत. उसके बाद पंचायत समिति एंड द नेक्स्ट जिला परिषद. ये तीनों आर द रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज दैट आर कलेक्टिवली नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. तो विलेजेस का काम करने के लिए सेपरेट गवर्नमेंट बॉडीज बनाए हुआ है. बॉडीज मतलब डोंट थिंक अबाउट अ ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन. ओके, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो गवर्नमेंट बॉडीज को कहते हैं. एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद. ये तीनों को मिलाकर एक सिंगल ग्रुप में बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. दैट मीन्स इफ वी से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स ऑल द थ्री, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीनों उसके अंदर इंक्लूडेड होता है. नाउ डू यू नो दिस, व्हाट इज द टॉप मोस्ट गवर्नमेंट या सबसे ज़्यादा पावरफुल गवर्नमेंट कौन सा होता है? दैट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इन लोग सब मिलकर पूरे देश का रूलिंग करते हैं. उन लोग फिर
स्टेट गवर्नमेंट को, अभी हमारे देश में कितने सारे स्टेट्स होते हैं, सभी स्टेट के मेन जो हेड होते हैं, मेन गवर्नमेंट्स होते हैं, उनको उनका काम बांट बांट के देते हैं। मतलब एक एक स्टेट को बोलते हैं कि तुम तुम्हारा इतना इतना काम संभालो, और कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में दिया हुआ है तो कुछ काम किसी और के कंट्रोल में नहीं बल्कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करते हैं। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस काम होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से ही होता है। तो वैसा पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरीड आउट ऑन कैरीड ऑन एट थ्री लेवल्स। पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन तीन लेवल में होता है। द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एंटायर कंट्री, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन टोटली वो कौन चलाता है? यूनियन गवर्नमेंट। सब्जेक्ट्स लाइक यानी क्या क्या मैटर इसमें यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? डिफेंस, व्हाट यू मीन बाय डिफेंस? देश की सुरक्षा, मीन्स दूसरे कंट्री हमारे देश में अटैक करता है क्या, हमारा देश सुरक्षित है क्या, हमारे बॉर्डर से कोई दूसरे देश के लोग अंदर आने का कोशिश ना करे, मतलब पूरे तरीके से हमारा देश का प्रोटेक्शन। उस जो डिपार्टमेंट है डिफेंस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करते हैं। फॉरेन अफेयर्स, व्हाट यू मीन बाय फॉरेन अफेयर्स? फॉरेन मतलब बाहर के जो कंट्रीज है, अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना, जो कोई भी कंट्रीज हमारे कंट्री के बाहर है, उनके सभी के साथ हमारा रिलेशन रहता है। हम चीज़ें उधर ट्रेडिंग करते, बिजनेस करते, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते तो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, और उनके साथ हम बिजनेस करते हैं या यहाँ से वहाँ जाते आते हैं, हमारे काफ़ी लोग उधर उनके देश में जाकर रहते हैं। तो ये पूरे अफेयर्स, ये पूरे मैटर्स हैंडल करने के लिए वो एक डिपार्टमेंट होता है, दैट इज़ अ फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट भी किसके हाथ में है? यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, उनके जवाबदारी है। करेंसी, करेंसी मीन्स द रुपी नोट, कॉइन नोट्स वगैरह जो छापते हैं, ये भी पूरे कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, अदरवाइज यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, एक्सेट्रा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैटर्स है। ऑल दीस आर अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये सभी यूनियन गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर उनके पावर पे है। तो कानून ये सभी चीज़ को हैंडल करने का पावर, दैट मीन्स दैट इज़ द ज्यूरिस्डिक्शन दैट इज ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट। एट द सेकेंड लेवल यूनियन गवर्नमेंट सबसे टॉप होता है, और उसके बाद सेकेंड लेवल किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। एक एक स्टेट को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होता है। जैसे अभी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, पंजाब, पंजाब का दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरह कर्नाटका, उसका नेक्स्ट अपना खुद का स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा सेकेंड लेवल होता है स्टेट गवर्नमेंट का। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मेक्स लॉस रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर। अभी महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट, उनके हाथ में भी कुछ अधिकार दिए हुए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ एंड ऑर्डर, महाराष्ट्र के लिए कानून बनाना, कानून चलाना, ये सब किसके हाथ में है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। हेल्थ, महाराष्ट्र के पब्लिक का जो हेल्थ डिपार्टमेंट चलाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ, ये सभी का डिपार्टमेंट भी किसके हाथ में? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। इवन एजुकेशन, हमारे स्टेट के जो बच्चों का एजुकेशन, उससे रिलेटेड सभी मैटर्स, वो भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर्क एट द थर्ड लेवल, और उससे भी यानी स्टेट गवर्नमेंट से भी नीचे, पावर थोड़ा और कम, वो हो गया थर्ड लेवल वाला, दैट इज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। सो हियर इट इज क्लियरली गिवन, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर classified into rural and urban. In a rural section, there are three other subdivisions. One is Gram Panchayat, second Panchayat Samiti, third Zilla Parishad. So in this chapter, we are going to study only about the rural local government bodies. So, and we will study the urban local government bodies in the next chapter. हमने अभी देखा रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में फर्स्ट वाला होता है ग्राम पंचायत। सो लेट्स सी व्हाट इज ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज।
If the population of a village is less than 500, two or more such villages come together, come under one Gram Panchayat. It is then called a group Gram Panchayat. The Gram Panchayat carries out the functions relating to water supply, electricity, registration of birth, deaths and marriages. तो ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत इज अ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या लोकल गवर्नमेंट बॉडी. इसका काम है विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन को, गांव के एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स रूलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कंट्री या रूलिंग ऑफ अ सम प्लेसेस, कुछ एरिया का रूलिंग करना. तो यहाँ पर विलेज का रूलिंग, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन. रूलिंग मीन्स डोंट थिंक दैट दे रूल लाइक राजा महाराजा. नो, जनता के मर्जी के लिए, जनता के हिसाब से, जनता के लिए जो सेवाएं करते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन. सभी सुविधाएं सबको इक्वली मिल जाए, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है. तो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज लोकल एरिया का गवर्नेंस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. तो उसमें पंचायत जो है, पंचायत का या फिर विलेज का, ग्राम पंचायत नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. सपोज समझो विलेज में पॉपुलेशन यानी लोगों का, कोई एक विलेज होता है ऐसा जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन हो, 500 से भी नीचे पॉपुलेशन है, तो फिर वो 500 से नीचे पॉपुलेशन यानी उतने जनताओं के लिए किस लिए एक सेपरेट ग्राम पंचायत बनाने का? इसके लिए ऐसा चुन चुन के 500 से नीचे जितने भी विलेजेस में पॉपुलेशन है उन सभी विलेज को एक साथ एक सिंगल ग्राम पंचायत के अंडर करेंगे. समझो कि अभी हमारा कुछ एरिया का, कुछ विलेजेस का लिस्ट हमने निकाला और वो विलेजेस में पॉपुलेशन निकाला तो पॉपुलेशन 500 से भी कम है, तो फिर उसके लिए एक स्पेशल ग्राम पंचायत बनाने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि पॉपुलेशन इतना कम है. तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा उसी के करीब पॉपुलेशन वाले और भी एक आधा विलेजेस को सेलेक्ट करेंगे और इनका सबका सिंगल ग्राम पंचायत बनाएंगे. इस तरह जब एक से ज़्यादा विलेजेस जो कम पॉपुलेशन वाला उन्हें जोड़कर एक सिंगल ग्राम पंचायत बनाते हैं तो उन्हें उस तरीके के ग्राम पंचायत को हम कहते हैं ग्रुप ग्राम पंचायत. और ग्राम पंचायत का फंक्शन क्या है, किस लिए बनाया गया हुआ है, क्या काम करता है ग्राम पंचायत? इट लुक्स आफ्टर द वाटर सप्लाई, मतलब उस विलेज में सभी को प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलता है या नहीं. अगर नहीं मिलता तो उसके लिए जल्दी अरेंजमेंट करना. कोई वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ पाइप वगैरह टूटा तो उसको तुरंत मेंटेन करना. ये सब हम थोड़ी खुद उठकर जाके वाटर सप्लाई लाते हैं हमारे लिए. हम घर बैठे बैठे हमारा घर के ज़रूरत का इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ जाता है, जस्ट वी हैव टू पे द बिल, दैट्स इट. पानी हमारे घर पर आ जाते हैं, बराबर. रास्ता हमारे लिए एकदम क्लीन हो जाता है. हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे लिए खुला हुआ रहता है. ये सभी जो फैसिलिटीज है एक्चुअली गवर्नमेंट ही तो करते हैं. ओके, सो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ और मैरिज, मतलब देश में या कोई भी एरिया में कुछ लोग, कुछ बच्चे नया जन्म लिए तो उनका नाम या उनका लिस्ट होना ज़रूरी है हमारे गवर्नमेंट के पास, सो दैट गवर्नमेंट कैन मेक द फर्दर फ्यूचर प्लान्स. आगे का प्लान बना सकते हैं, कितना पॉपुलेशन हमारा देश में रहते हैं और कितना हमारे देश का आमदनी यानी कमाई है, कितने अनाज हमारे देश में उगते हैं, ये सभी कुछ कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट प्लानिंग कर सकते हैं. कितना चीज़ें हमें दूसरा देश से मंगाना पड़ेगा, ये सभी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे देश में कितने लोग रहते हैं वो पता चलाना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए एक एक बच्चा जब बर्थ होते हैं बच्चे का या जन्म लेते हैं तो वो तुरंत गवर्नमेंट के पास एक अकाउंट होते हैं, उनका नाम उधर रजिस्टर किया जाएगा तो हमारा पॉपुलेशन के अकाउंट में एक नंबर और बढ़ जाएगा. इसी तरह किसी का डेथ हुआ वो भी हमें हमारे लोकल गवर्नमेंट बॉडी पे जाके बताना होता है यहाँ पर ग्राम पंचायत में, तो उससे क्या होगा, वो व्यक्ति का नाम हमारे पॉपुलेशन के अकाउंट में से निकाल दिया जाएगा तो हमको एक एक्यूरेट पॉपुलेशन अकाउंट में रहेगा. इसी तरह मैरिजेस हुआ तो मैरिजेस होगा तो भी हमें काउंट करना है क्योंकि मैरिजेस होने पर क्या होगा, एक गांव में से एक लड़की दूसरे एक गांव में जाकर माइग्रेट हो जाते हैं, दूसरे जगह में चले जाते हैं, तो एक गांव का पॉपुलेशन कम हो गया और दूसरे गांव का पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ गया. तो ये सभी हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है. तो ये सभी रिकॉर्ड कौन रखता है? ग्राम पंचायत. तो नाउ यू सो द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत. Now, the office bearers and officers of Gram Panchayat.
ग्राम पंचायत में कौन कौन से ऑफिसर्स काम करते हैं, ग्राम पंचायत कौन चला रहे हैं, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज सरपंच। द इलेक्शंस टू अ ग्राम पंचायत आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। ग्राम पंचायत में इलेक्शन, आप इलेक्शन जानते हो, जो लीडर है उसे सेलेक्ट करने के लिए, जो हमारे देश को या हमारे लोकल एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले, रूलिंग करने वाले व्यक्ति को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, दैट इज़ इलेक्शन, वोट देकर। तो 5 साल में एक बार ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है। द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट सरपंच एंड डिप्यूटी सरपंच फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। जितने लोगों ने जनता वोट देके इलेक्ट किए, मतलब सेलेक्ट किए, चुने, उन लोग आपस में डिस्कस करके, आपस में वोटिंग करके, उन लोग उनके एक हेड को, दैट इज़ सरपंच, और उसका थोड़ा सपोर्ट करने वाले और एक, दैट इज़ डिप्यूटी सरपंच। तो ऐसा इलेक्टेड मेंबर्स सब मिलकर सरपंच को और उनके अंडर काम करने के लिए या उनके एब्सेंस में काम करने के लिए एक डिप्यूटी सरपंच, ऐसा दो व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं। द मीटिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत आर हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरपंच। ग्राम पंचायत के जितने भी मीटिंग्स होते हैं वो सभी मीटिंग किसके चेयरमैनशिप में होते हैं, यानी किसके लीडरशिप में या किसके ऑब्जर्वेशन के अंडर होता है, सरपंच के। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द विलेज। विलेज के लिए कुछ भी नया डेवलपमेंट स्कीम, फॉर एग्जाम्पल अभी एक छोटा सा नदी है जिसको लोग ऐसे ही लोकल ब्रिज से पार कर रहे थे, जो ब्रिज बहुत ही कमज़ोर है, जहाँ से सिर्फ वॉकिंग पॉसिबल है, व्हीकल पास नहीं होता, तो वो डेवलप करना है, एक मजबूत ब्रिज बनाना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। या फिर विलेज के पीपल, पॉपुलेशन बढ़ गया है और एक आधा डिस्पेंसरी से या एक आधा हॉस्पिटल से काम नहीं चल रहा है, मोर हॉस्पिटल्स दे नीड, देन मेकिंग मोर हॉस्पिटल्स, दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। इन द सेम केस ज़्यादा स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स वगैरह नया लाना, या ऐसे रोड्स को, जो कच्चा रोड होता है उसको टार डालकर या कॉन्क्रीट डालकर, उसको कॉन्क्रीट तो नॉर्मली विलेजेस में नहीं होता, फिर भी ये सब करना, या इलेक्ट्रिक सप्लाई जो एरिया में नहीं है उधर पहुँचाना, ऐसा ये सभी कुछ क्या होता है, डेवलपमेंट प्लान के अंदर आता है। ये सब किस्म के डेवलपमेंट प्लान्स एक विलेज के लिए बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सरपंच का होता है। द मेम्बर्स, दैट मीन्स डोंट थिंक दैट सरपंच गो डायरेक्टली गोस एंड डू ऑल दिस वर्क, नो, ही मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर दिस ऑल डेवलपमेंट, वो ये सब डेवलपमेंट के लिए अरेंज करते हैं। द मेम्बर्स ऑफ द ग्राम पंचायत कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द सरपंच हु इज़ नॉट कैरिंग आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली। सपोज हम जो एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच को इलेक्ट किया, कुछ टाइम वो रूलिंग किया, वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन ही वॉज नॉट टेकिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं उठा रहा है, मीन्स ही वॉज प्रूव्ड टू बी ऑफ नो यूज़, वो अपने काम में सही नहीं है, ऐसा प्रूव किया, देन द मेम्बर्स ऑफ द ग्राम पंचायत कैन पुट अ वोटिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक मोशन पास कर सकता है, यानी एक एक्शन उठा सकता है, या एक मोशन मतलब ये गवर्नमेंट के बीच में जो मोशन, यानी एक मूवमेंट, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं, एंड दे कैन पुट वोटिंग, एंड एट लास्ट द इन दैट केस, इन सच अ केस द सरपंच विल बी रिमूव फ्रॉम हिज प्लेस, उनके अथॉरिटी से सरपंच को निकाल दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच, सपोज हम जो सरपंच एब्सेंट है फॉर एनी रीज़न, विलेज से बाहर है या कुछ काम से ही वॉज नॉट प्रेजेंट, देन डिप्यूटी सरपंच लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का तभी काम कौन करेगा? डिप्यूटी सरपंच। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्राम सेवक। ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत, ये होता है ग्राम सेवक, मतलब ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। अभी जिला परिषद के बारे में अब तक हमने पढ़ा नहीं, वो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडी में से एक पार्ट है। हमने 3 पार्ट देखे थे, एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, एंड थर्ड वन जिला परिषद। जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, इट्स अ पोस्ट, वो ऑफिसर किसको अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट करना यानी काम पे
लगाते हैं, यानी कि ग्राम सेवक का पोजीशन में उनको स्टार्ट करने या उनको ज्वाइन कराते हैं, अपॉइंट करते हैं। कौन करता है ये? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हिज मेन फंक्शन इज टू लुक आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत, टू एक्सप्लेन इट्स डेवलपमेंट स्कीम्स टू द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज एक्सेट्रा। तो ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक का क्या फंक्शन है, क्या काम वो करते हैं? उनका काम होता है डे टू डे फंक्शनिंग, लुक आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का रोज का डेली अफेयर्स, डेली मैटर्स, क्या क्या हो रहा है उस पर नज़र रखना, वो बराबर हो रहा है क्या, उसको सुपरवाइज करना। एंड टू एक्सप्लेन इट्स डेवलपमेंट स्कीम्स, और गवर्नमेंट ने नया नया क्या डेवलपमेंट स्कीम गांव के लिए बनाया, वो स्कीम्स को एक्सप्लेन करना किसके साथ? रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज, गाँववासी लोगों के साथ। गाँववासी लोगों को, गाँव में रहने वाले लोगों को गवर्नमेंट का न्यू डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में एक्सप्लेन करना। ऑल दिस आर द वर्क ऑफ ग्राम सेवक। नाउ ग्राम सभा, द असेंबली ऑफ ऑल द वाटर्स ऑफ द विलेज और रूरल एरिया इज द ग्राम सभा। एक गाँव में, एक रूरल एरिया में जितने भी वाटर्स है, वोट देने लायक जो सिटीजन्स होते हैं, मीन्स छोटे बच्चों को वोट देने का हक नहीं है, बराबर, एक एज के बाद, 18 ईयर्स के बाद वोटिंग का जो एलिजिबिलिटी मिलता है हमें, तो वैसे वोट देने के जो एलिजिबल जितने भी लोग हैं, वैसे पूरे वोटर्स का एक असेंबली, एक मीटिंग होता है ग्राम सभा में, दैट इज़ ग्राम सभा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल एट द लोकल लेवल। क्योंकि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जो गांव के मैटर्स है, प्रॉब्लम्स है, इसको सबको डिस्कस करके एक सोल्यूशन में, एक नतीजे पे पहुंचने के लिए ग्राम सभा हेल्प करते हैं। आप लोगों ने ग्राम सभा का बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे पुराने मूवीज में वगैरह, जैसे कि एक प्ला, एक बड़े से ट्री होंगे, ट्री के नीचे कुछ उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, कुछ बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं उसके ऊपर बैठे रहते हैं, और गांव के सब पब्लिक उनके आसपास में, और गांव का कुछ भी अगर मैटर है, कोई भी केसेस है, तो उनके सामने सुनाएंगे लोग और उसको डिस्कस करेंगे, ऐसा सब मूवीज़ में आपने देखे होंगे। दैट इज़ वन ऑफ द ग्राम सभा, उसको ही कहते हैं ग्राम सभा। इट इज़ बाइंडिंग टू होल्ड एटलीस्ट 6 मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा इन ईच फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में कम से कम 6 मीटिंग किसका होना कंपलसरी है? ग्राम सभा का। ग्राम सभा का एटलीस्ट 6 मीटिंग इट इज़ बाइंडिंग टू होल्ड, मतलब बहुत ही कंपलसरी है ग्राम सभा, उसका मीटिंग एटलीस्ट 6 बार एक साल में होना या मीटिंग करना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग्स ऑफ ए ग्राम सभा इज विद द सरपंच। और एक ग्राम सभा मीटिंग बुलाने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सरपंच का। मीन्स कभी भी कुछ ग्राम सभा मीटिंग बुलाना हो तो सरपंच उसको अनाउंस करेगा, ये सो एंड सो डे, ये सो एंड सो टाइम में मीटिंग होगा। इन द फर्स्ट मीटिंग्स ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द ग्राम सभा डिस्कसेस द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट सबमिटेड बाय द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा क्या करेंगे? पहला जो मीटिंग होगा एक फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर मतलब एक एरिया का फाइनेंशियल यानी पैसे का जो कोई भी कैलकुलेशंस वगैरह, कोई भी एक मंथ से स्टार्ट करके उसी मंथ तक एंडिंग करता है। आपने सुना होगा मार्च एंडिंग में लोगों को बहुत काम वगैरह होता है, दैट मीन्स मार्च टू मार्च एक फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली पकड़ते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग का जो मीटिंग होता है, उस स्टार्टिंग का मीटिंग में ग्राम सभा किस बारे में डिस्कस करेंगे? एनुअल रिपोर्ट, साल भर का जो रिपोर्ट है, यानी क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कितना वो विलेज के लिए खर्चा किया, अमाउंट कितना हुआ या कितना फ़ायदा हुआ, ये सभी कुछ देश में वो गांव में किए गए हुए सभी डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में उधर रिपोर्ट रीड किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। एंड अकाउंट सबमिटेड बाय द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ने जो अकाउंट दिया है यानी कितने टैक्स कलेक्ट हुआ और उसमें से कितने देश का डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया, ये सभी अकाउंट्स यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। द सजेशंस ऑफ द ग्राम सभा आर कन्वेड टू द ग्राम पंचायत, और ये रिपोर्ट वगैरह रीड करने के बाद, डिस्कस करने के बाद ग्राम सभा कुछ सजेशन करेंगे, उनका कुछ ओपिनियंस होगा, ये सजेशंस ग्राम पंचायत पे पहुँचा देगा, यानी उनको ये मैसेजेस दे देंगे। द ग्राम सभा गिव्स सैंक्शन टू द डेवलपमेंट स्कीम्स प्रपोज्ड बाय द ग्राम पंचायत। द ग्राम सभा गिव सैंक्शन टू द गवर्नमेंट स्कीम्स, ग्राम सभा फिर सैंक्शन देंगे, सैंक्शन मतलब येस कहेंगे, एग्री करेंगे फॉर द डेवलपमेंट स्कीम्स प्रपोज्ड बाय ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ने नया नया जो डेवलपमेंट स्कीम प्रपोज किया है उसको ग्राम सभा का सैंक्शन मिलेगा।
तो सेक्शन मिलेगा तो क्या होगा, फिर वो डेवलपमेंट स्कीम एक्सिक्यूट करेंगे यानी लागू करेंगे। द ग्राम सभा हैज अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन विच इंडिविजुअल्स डिसर्व द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। और ग्राम सभा डिसाइड करेंगे कि द अथॉरिटी टू डिसाइड मीन्स उसके पास है वो अथॉरिटी डिसाइड करने के लिए कि विच इंडिविजुअल्स कौन से व्यक्ति को गवर्नमेंट का स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द ग्राम सभा, अभी ग्राम सभा में लेडीज़ का भी पार्टिसिपेशन होता है। अ मीटिंग ऑफ द वुमेन ऑफ अ विलेज इज हेल्ड बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। एक्चुअली ग्राम सभा का मीटिंग होने से पहले मीटिंग ऑफ द वुमेन इन द विलेज, वो गांव में जितने औरतें हैं उनका एक मीटिंग होता है। हियर वुमेन फील फ्री टू डिस्कस अ वैरायटी ऑफ इश्यूज, यहाँ पर सिर्फ वुमेन का मीटिंग होने की वजह से उनको अपना प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कंप्लीट फ्रीडम मिलता है। ड्यूरिंग द ग्राम सभा दे स्पीक विथ ग्रेटर कंसर्न अबाउट इश्यूज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, प्रोहिबिशन, एम्प्लॉयमेंट, फ्यूल, हेल्थ एक्सेट्रा। तो एक ग्राम सभा का मीटिंग में इन लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर, बहुत ही कंसर्न होकर हर एक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, प्रोहिबिशन मीन्स कोई रोक टोक के बारे में, या एम्प्लॉयमेंट काम काज के बारे में, और फ्यूल, फ्यूल मीन्स जैसे केरोसिन वगैरह जो कुछ भी, ये सब फ्यूल्स है, और हेल्थ, ये सभी बारे में बहुत ही सीरियस होकर लोग डिस्कस करते हैं। दे ऑल्सो सजेस्ट मेशर्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस। और जितने भी लोग गाँववासी हैं, ये जो ग्राम सभा में शामिल रहते हैं, उन लोग अपने अपने सजेशन सामने रखेंगे, अपने अपने ओपिनियंस बताएंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, जो ज़रूरत का चेंजेस लाना है उसके बारे में बताएंगे। द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत कैरीज आउट मेनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। अभी कोई भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है, कुछ वेलफेयर स्कीम बनाना है, कुछ डेवलपमेंट करना है, तो दे नीड मनी, उनको पैसे की ज़रूरत है। वो पैसा कहाँ से आएगा? नॉर्मली दे कलेक्ट टैक्सेस, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, उसके जरिए पैसा मिलता है, और उसी पैसे से सभी मेंटेनेंस, सभी डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह करते हैं। So for this purpose, it requires money. The Gram Panchayat raises these funds through different taxes. I told you. Now, different types of taxes. The source of revenue of Gram Panchayat. Gram Panchayat ka revenue sources. Revenue yani tax. Kahan kahan se inko kaun se type of tax Gram Panchayat collect karta hai, jiske madad se ye unko paisa jama karne ko hoga jo welfare scheme ke liye, yani achche development scheme ke liye use karte hai. House tax. घर का टैक्स, वाटर टैक्स, टैक्स ऑन वीकली मार्केट। एक्चुअली विलेजेस में वीकली, हफ्ते में एक ही दिन मार्केट होता है, हमारे एरिया का जैसा रेगुलर मार्केट नहीं होता, और वो वीकली मार्केट का टैक्स। ग्रांट्स फ्रॉम जिला परिषद एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इधर दूसरे और एक है पिलग्रिमेज टैक्स। पिलग्रिमेज मतलब कोई ऐसा पवित्र जगह जो पिलग्रिम प्लेस है, जिस तरह आप सुना होगा शिरडी वगैरह जो प्लेस है, मक्का मदीना, ये सब क्या होता है, पिलग्रिमेज प्लेसेस है। तो पिलग्रिमेज प्लेसेस गांव में अगर है तो वहाँ पर आने वाले पिलग्रिम्स यानी जो डिवोटी, उधर का भगवान का जो डिवोटी से उनके आना जाना, उसमें जो पैसा वगैरह खर्चा होता है, उनका अलग सा टैक्स होते हैं वो टैक्स। और उसके अलावा ये सब टैक्सेस हो गए, और उसके अलावा ज़िला परिषद और स्टेट गवर्नमेंट ये ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट के लिए अपने तरफ से कुछ अमाउंट देता है, उसे कहते हैं ग्रांट। तो ये सभी कलेक्ट करके ग्राम पंचायत अपना ज़रूरत के लिए यानी अपने विलेज का डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। पंचायत समिति, ऑल द विलेजेस विद इन अ तालुका फॉर्म अ डेवलपमेंट ब्लॉक। द बॉडी दैट लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक इज द पंचायत समिति। सो ऑल द विलेजेस विद इन अ तालुका, एक्चुअली हमारा कंट्री दैट इज इंडिया, द कंट्री इज अगेन डिवाइडेड इन टू मैनी स्टेट्स, स्टेट्स आर डिवाइडेड इन टू डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इन टू तालुकास। तो वैसे एक तालुका के अंदर जितने भी विलेजेस हैं वो पूरे एक साथ मिलकर एक डेवलपमेंट ब्लॉक बनाते हैं। डेवलपमेंट ब्लॉक, द बॉडी दैट लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक। ये डेवलपमेंट ब्लॉक का फंक्शनिंग के लिए काम करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, द बॉडी है, दैट इज कॉल्ड पंचायत समिति। सो पंचायत समिति का काम है to look after the development, to look after the functioning of the development block created by all the villages within the taluka.
इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत. जिला परिषद और ग्राम पंचायत दोनों के बीच का एक लिंक है, दैट मीन्स अ कनेक्टिंग लिंक. पंचायत समिति, इन अदर वर्ड्स इफ यू से पंचायत समिति जिला परिषद का और ग्राम पंचायत का वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं. जिला परिषद का जो ऑर्डर्स है, जिला परिषद जो ग्राम पंचायत के लिए कुछ सैंक्शन दिए हुए तो उसको ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत का जो कुछ भी इश्यूज है वो जिला परिषद को पहुंचाने वाले जो बीच का जो लिंक होता है, दैट इज पंचायत समिति. द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पंचायत समिति. अभी पंचायत समिति के क्या क्या ऑफिसर्स है. इलेक्शंस टू द पंचायत समिति आर हेल्ड एवरी 5 years. पंचायत समिति का भी इलेक्शन 5 years में एक बार होता है. द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द पंचायत समिति. जिस तरह हमने पहले देखा कि ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन है वो हो जाता है, इलेक्शन के बाद जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन लोग मिलकर सरपंच और डिप्यूटी सरपंच को इलेक्ट करते हैं. इसी तरीके से पंचायत समिति का भी इलेक्शन होता है 5 साल में एक बार, और जो इलेक्ट किए हुए मेंबर्स हैं उनमें से उन लोगों ने आपस में डिस्कस करके चेयरमैन को और डिप्यूटी चेयरमैन को डिसाइड करते हैं या सेलेक्ट करते हैं. द चेयरमैन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग्स एंड कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द मीटिंग्स. चेयरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत समिति का मीटिंग बुलाना, और वो मीटिंग में जो कोई भी बिजनेस, जो कोई भी अफेयर्स होंगे, जो कोई भी मैटर्स डिस्कस होगा वो सभी कुछ कंडक्ट करना, यानी उसको सुपरवाइज करना, ये सभी कुछ काम चेयरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स. प्रिसाइड्स मतलब अध्यक्ष बनना. ओके, एक मीटिंग को अपने हिसाब से चलाना आगे. जब चेयरमैन नहीं होता है, चेयरमैन के एब्सेंस में डिप्यूटी चेयरमैन पंचायत समिति के मीटिंग को प्रिसाइडिंग करते हैं. द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति. पंचायत समिति का काम क्या क्या है. द पंचायत समिति प्रिपेयर्स अ प्लान ऑफ द स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द डेवलपमेंट ब्लॉक. पंचायत समिति प्रिपेयर्स मतलब बनाते हैं प्लान ऑफ द स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द डेवलपमेंट ब्लॉक. हमने कुछ देर पहले डेवलपमेंट ब्लॉक देखे, उसके बारे में स्टडी किया. डेवलपमेंट ब्लॉक में जो स्कीम, जो डेवलपमेंट स्कीम लागू करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सच स्कीम्स का प्लान पंचायत समिति प्रिपेयर करते हैं. इट इज़ बाइंडिंग ऑन द पंचायत समिति टू होल्ड एटलीस्ट 1 meeting एवरी मंथ. सो इट इज़ कंपल्सरी दैट पंचायत समिति शुड होल्ड एटलीस्ट 1 meeting एवरी मंथ. हर महीने में एक मीटिंग तो करना कंपल्सरी है पंचायत समिति के लिए. द पंचायत समिति रिसीव्स अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फंड्स. डिस्ट्रिक्ट फंड में से पंचायत समिति को कुछ अमाउंट मिलता है. इट ऑल्सो रिसीव्स ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक. जो डेवलपमेंट ब्लॉक उसके कंट्रोल में है, पंचायत समिति के कंट्रोल में है, वो डेवलपमेंट ब्लॉक्स का जो कोई भी इम्प्रूवमेंट है या जो कोई भी नया स्कीम बनाया हुआ है, प्लानिंग्स किए हुए हैं, वो सभी चलाने के लिए जो पैसे लगते हैं, अमाउंट लगते हैं, वो अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी एज अ इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट के फॉर्म में स्टेट गवर्नमेंट भी देते हैं. सो कुछ अमाउंट डिस्ट्रिक्ट में से मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फंड में से, और कुछ अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट के पास से भी मिलता है पंचायत समिति के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जिला परिषद. यह है थर्ड पार्ट. बराबर, हमने 3 पार्ट देखे थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी, वो भी रूरल वाला. बराबर, पहले हमने स्टार्टिंग में क्या देखे थे, ग्राम पंचायत फर्स्ट वन, पंचायत समिति सेकंड, एंड द लास्ट वन इज जिला परिषद. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ जिला परिषद. हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक जिला परिषद होता है. जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट थाने डिस्ट्रिक्ट, थाने डिस्ट्रिक्ट का एक जिला परिषद होता है. एट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ 36 districts बट ओनली 34 जिला परिषद. अभी महाराष्ट्र स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, टोटल 36 districts, लेकिन कितने जिला परिषद है, 34. तो अभी जस्ट इससे पहले का सेंटेंस में बता रहे थे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद होता है. तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो 36 districts है, तो ऑल टुगेदर 36 जिला परिषद होना चाहिए, बट वी हैव ओनली 34 जिला परिषद इन महाराष्ट्र. द रीजन इज दैट मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट डू नॉट हैव अ रूरल पॉपुलेशन.
क्यों जिला परिषद नहीं है? क्योंकि दो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट और एक मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रूरल एरिया, कोई भी विलेजेस नहीं है। बाकी 34 डिस्ट्रिक्ट्स में विलेज एरियाज भी है और सिटी एरियाज भी है, तो वो सभी विलेजेस एरिया में, विलेज एरियाज में जिला परिषद है। बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो विलेज एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन में जिला परिषद आता है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में विलेज एरिया नहीं है, इस वजह से वहाँ पर जिला परिषद नहीं है। दैट्स वाई महाराष्ट्र स्टेट हैज़ ओनली 34 जिला परिषद, 36 डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद, देयरफॉर दे डू नॉट हैव जिला परिषद। द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द जिला परिषद, अभी जिला परिषद के ऑफिसर्स को हम देखेंगे। इलेक्शंस टू द जिला परिषद आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, जिला परिषद का इलेक्शन भी हर 5 साल में एक बार होता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चूज अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। देखो वर्ड्स आपको एक एक याद रखना है अच्छा से। ग्राम पंचायत में सरपंच और डिप्यूटी सरपंच था, और उसके बाद पंचायत समिति में आपने देखा चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन, और यहाँ पर है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो जिला परिषद के इलेक्शंस में से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, ऑलरेडी इलेक्टेड हो गए हुए लोग, उन लोग अपने बीच में से एक प्रेसिडेंट को और एक वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद प्रिसाइड्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद के मीटिंग में अध्यक्षता कौन करता है या अध्यक्ष बनता है, प्रेसिडेंट बनता है कौन? जिला परिषद का प्रेसिडेंट, मीन्स ही कंट्रोल्स द मीटिंग्स। ही एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर बिजनेस कंडक्टेड ड्यूरिंग द मीटिंग्स, मीटिंग में जो कोई भी अफेयर्स होते हैं, जो कोई भी मैटर्स डिस्कस होता है, उसका सभी कंट्रोल इनके हाथ में। ही ऑल्सो कंट्रोल्स द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि जिला परिषद के अंडर पंचायत समिति एरिया है, ग्राम पंचायत एरिया है, सभी जगह में कुछ फाइनेंशियल हेल्प वगैरह करना पड़ता है, बराबर पूरे अलग अलग डेवलपमेंट स्कीम के लिए फाइनेंशियल बिजनेस करनी पड़ती है, ये सभी का कंट्रोल प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद के हाथ में है। ही हैज़ द अथॉरिटी टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द जिला परिषद फंड, इन्हीं को ही अथॉरिटी है, मतलब अधिकार है जिला परिषद के फंड में से ज़रूरत का एक्सपेंडिचर, खर्चे के लिए अमाउंट लेने का। द वाइस प्रेसिडेंट कैरीज आउट दिस ड्यूटीज इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अगर सपोज नहीं है कोई कुछ सिचुएशन की वजह से, तो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ये पूरे ड्यूटी निभाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द डिसीजंस टेकन बाय द जिला परिषद आर इम्प्लीमेंटेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद, तो जिला परिषद में जो कोई भी डिस्कशंस वगैरह लेकर होने के बाद जो डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन को लागू करने वाला, एक्शन में लाने वाला होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हर एक जिला परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को CEO को अपॉइंट करने वाला काम स्टेट गवर्नमेंट का है। हाउ डज जिला परिषद फंक्शन, जिला परिषद किस तरह काम करते हैं? द वर्क ऑफ जिला परिषद इज कैरिड आउट थ्रू डिफरेंट कमिटीज, एक एक फंक्शन के लिए, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सेपरेट कमिटी बनाया हुआ है जिला परिषद में, क्योंकि जिला परिषद के कंट्रोल में काफ़ी बड़ा एरिया आता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एरिया आता है, तो इसके लिए एक एक फंक्शन के लिए, एक एक पर्पस के लिए सेपरेट सेपरेट कमेटी बनाया हुआ है, जैसे फाइनेंस कमेटी, एग्रीकल्चर कमेटी, एजुकेशन के लिए एजुकेशन कमेटी, हेल्थ कमेटी, वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन कमेटी एक्सेट्रा। द वुमेन एंड द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी टेक्स अप इश्यूज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन, और एक कमेटी है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये कमेटी किसके लिए है? वुमेन और बच्चे जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हैं। यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में फंक्शंस ऑफ जिला परिषद इमेज भी दिया हुआ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटी जो लोगों को देते हैं, एंड इवन वाटर सप्लाई और प्रोविजन ऑफ सीड्स वगैरह, जो फार्मर्स को अच्छे क्वालिटी के सीड्स वगैरह देना, और इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना, और ट्री प्लांटेशन मतलब एरिया को हरा भरा करना या एटमॉस्फेयर को प्रॉपर करना या साफ करना, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला परिषद का है।
Our constitution was amended in 1992 by the 73rd and 74th Amendment Act. अभी आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. इंडिया आज़ादी मिल पाने के बाद इंडिया का रूलिंग को एक प्रॉपर ऑर्डर में करने के लिए इंडिया को कुछ लॉस कानून की ज़रूरत थी. तो हमारा देश किस तरह एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए वो पूरे डिस्कस करते हुए एक बड़ा बुक बनाया गया. दैट बुक ऑफ लॉ, देश चलाने का जो कानून, वो फर्स्ट टाइम बनाया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मदद से. दैट ओरिजिनल बुक ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन वैसे के वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं रखा गया है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए पॉइंट्स को हालात के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से वक्त आगे आगे बीतने पर थोड़े छोटे छोटे चेंजेस किए हुए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करते हैं उन्हें हम अमेंडमेंट कहते हैं. अमेंडमेंट्स मीन्स द चेंजेस डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में छोटे छोटे चेंजेस जो किए, उस चेंजेस की वजह से नया नया रूल हमारे देश में आया. तो 1992 में अमेंड किया या चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पॉइंट्स को बाय द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट. एक्ट मीन्स इट्स अ लॉ. These amendments have granted a constitutional status to the rural and urban local government bodies. इस amendment के मदद से इंडिया के रूरल और अर्बन, सिटी और रूरल यानी विलेज, अर्बन यानी सिटी, ये दोनों लोकल गवर्नमेंट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है. इट हैज ऑल्सो गिवन देम मोर पावर्स टू डेवलप देयर रिस्पेक्टिव एरियाज मोर एफिशिएंटली. और तब तक जो अधिकार नहीं था ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को, उतना और एक्स्ट्रा पावर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को दिया ताकि वह अपने अपने रेस्पेक्टिव एरिया को आगे इम्प्रूव कर सके. द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन वर ऑल्सो इंक्रीज्ड. उनके अधिकार में, उनके लॉ के अंडर आने वाले जो सब्जेक्ट्स है, जो सेक्शन है, उसका भी काउंट बढ़ाया गया. इन ऑर्डर टू एनेबल देम टू वर्क इफेक्टिवली देयर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैव ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड. और उनको अपना काम यानी सभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को अपने काम, अपने एरिया को डेवलप करने के लिए, पूरा काम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो रेवेन्यू, जो टैक्स, जो ग्रांट वगैरह मिलता है वो भी बढ़ाया गया. सो ये सब इम्प्रूवमेंट करने की वजह से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में ज़्यादा अथॉरिटी उनको मिला और इस वजह से लोकल एरिया ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाया. नाउ द पंचायती राज सिस्टम एट अ ग्लांस हियर गिवन. तो हम देखते हैं जिला परिषद, जिला परिषद में प्रेसिडेंट उसका मीटिंग वगैरह प्रिसाइड करते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ का काम को या लिया हुआ डिसीशन को लागू करते हैं. और यही काम पंचायत समिति में चेयरमैन, प्रेसिडेंट की जगह में चेयरमैन और यहाँ पर चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जगह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. और पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में बोले तो प्रेसिडेंट, चेयरमैन और यहाँ पर जो काम करते हैं वो काम यहाँ पर सरपंच करते हैं. और सीईओ और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो इन दो जगह में काम करते हैं वो ग्राम सेवक करते हैं काम. और ये सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ये पूरे, और ये पूरे अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है. इसका मतलब ये जो सेक्शन में जितने भी हैं ये सभी गवर्नमेंट, जनता ने इलेक्ट किया है वोट देकर. तो ये साइड में जो है हमारे, ये पूरे डायरेक्ट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है. Who can contest elections? In order to get elected to the Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Parishad, candidates must fulfill certain conditions of eligibility. Abhi sarpanch banna hai ya CEO banna hai, jo kuch bhi is tarah koi post mein pahunchna hai. CEO nahi, sorry, sarpanch hai ya president hai, ye sab banne ke liye kuch qualifications chahiye. Election mein khade hone ke liye, election ka candidate banne ke liye kuch eligibility zaruri hai. For example, he or she should be a citizen of India. First of all, election में खड़े रहने के लिए या election में लड़ने के लिए वो व्यक्ति जो election लड़ना चाहते हैं वो Indian citizen, India का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कोई country का नहीं. He or she should have completed 21 years of age. वो 21 years complete किया हुआ एक व्यक्ति होना चाहिए. The person's name should be enrolled in the local voters list. और already ही उनका नाम वोटर्स लिस्ट में, वोटिंग देने वाले नागरिकों के, सिटीजन के लिस्ट में उनका नाम ऑलरेडी एंट्री हुआ होना चाहिए. दिस कंडीशंस आल्सो अप्लाई टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. जिस तरह ये रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए ये सभी कंडीशन
अप्लाइड है, इसी तरह अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी ये पूरे कंडीशन अप्लाइड है। अभी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ का पूरे सेक्शन एक साथ दिया हुआ है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीन सेक्शन। और ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स होना चाहिए, कितने मेंबरशिप, मिनिमम 7, मैक्सिमम 17। और पंचायत समिति में मिनिमम 15, मैक्सिमम 45 मेंबर्स। जिला परिषद में मिनिमम 50 मेंबर्स, मैक्सिमम 75 मेंबर्स। और ऑफिसर्स क्या क्या है इसमें, ग्राम पंचायत में सरपंच और डिप्यूटी सरपंच। सरपंच को जनता सेलेक्ट करते हैं, डिप्यूटी सरपंच को अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट। चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन पंचायत समिति में, और ज़िला परिषद में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। नाउ ऑफिसर्स, मेन मेन ऑफिसर्स इसका क्या क्या है, जो इधर का काम लागू करने में जो हेल्प करने वाले, ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक और पंचायत समिति का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और ज़िला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एंड दैट्स हाउ द लेसन गॉट ओवर।